नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। साथियों, कहीं भी रहें, अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दें। स्वास्थ्य ही महान है, स्वास्थ्य से सब कुछ है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान दें। तो आज हम इस वीडियो में एक बेजोड़ उपाय दे रहा हूं। इस उपाय को करने से आदमी के पास आकर्षण शक्ति भरपूर बनी रहती है। यह आदमी को खींचने में, आकर्षित करने में माहिर है। अगर इस बीज को घर में रखा जाए तो घर में यह धन को भी खींचता है। इसके अंदर अद्भुत प्रभाव है और घर के ऊपर सभी लोगों का दया दृष्टि बनी रहती है और जहां भी जाएंगे मान सम्मान आपको भरपूर मिलेगा। तो हम लोग घास फूस समझकर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसके विषय में जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन इस धरती पर एक से बढ़कर एक पेड़ पौधे हैं, घास फूस हैं, जो हम लोग क्या देवता लोग इसे इस्तेमाल करते थे। आज जिस पौधे की मैं बात कर रहा हूं, इसका बीज का माला भगवान श्री कृष्ण ने पहना था और पहनते थे, तो इस माला का नाम है बैजंती। तो बैजंती का पौधा आता है, उससे इसका बीज निकलता है, उसी को बैजंती बोलते हैं। इसका माला पूजा पाठ के दुकान पर आराम से मिल जाता है। अगर आप देहात के हैं तो आसानी से आप ढूंढ लेंगे तो आपको बहुत सारा इसका दाना मिल जाएगा। तो मित्रों, यह पौधा बरसात जब चालू होता है तभी आपे आप उग जाता है और बरसात समाप्त होने के बाद इसके फल पकने लगते हैं और आसानी से मिल जाता है। तो आज उस मैं पौधे को दिखा रहा हूं, आप देख के समझ जाइएगा। तो मित्रों, यह बड़ी ही चमत्कारी इसके बीज होते हैं, इसके माला भी बनाए जाते हैं। तो आप माला भी बना सकते हैं और खुशहाली के लिए आप अपने घर में भी रख सकते हैं, पूजा स्थल में। अगर नहीं माला बना पाते हैं तो 10-11 दाने अपने जेब में हमेशा रखे रहें। जहां जाएंगे वहां मान सम्मान भरपूर मिलेगा, आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। और माला बनाना है मित्रों तो 108 दाने का माला आप बना लीजिए। इस बीज के अंदर सुराख कुदरत का बनाया हुआ है, आपको सुराख नहीं बनाना है। बारीक तार से जब उसमें लगाइएगा तो उसमें वह होल मिलेगा आपको। तो लाल धागे में गूंथकर इसका आप माला बना सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले चलें हम उस पौधे को दिखा दूं और थोड़ा सा मैं इकट्ठा किया हूं उसको दिखा दूं। मित्रों, यही बैजंती का पौधा है। देखिए, यहाँ बहुत है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये सब बरसात के बाद मिलता है, ये बरसात में पौधा होता है। देखिए, ये फल लगा हुआ है, देखिए देखिए, यही है ये बैजंती का बीज और इसके अंदर सुराख होते हैं मित्रों। ये देखिए, ये इसके अंदर सुराख है। देखिए, मैंने ये तार में लगा कर रखा हूँ, देखिए इसी तरह से इसमें सुराख है। तो यही ये उसके बीज हैं। तो मित्रों, यह रहा बैजंती का पौधा और मैं थोड़ा सा इकट्ठा किया हूँ रखने के लिए, वह आपको दिखाया। तो मित्रों, अगर इससे आप भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं और आसानी से
यह मिल जाएगा, और जब इसका बीज मिल जाए तो घर पर लाकर थोड़ा सुखा लीजिए, सुखाने पर इसका कलर चेंज होता है, फिर जो है आप 108 दाने का माला बनाएं या 11 दाना 21 दाने अपने जेब में रखें, घर में पूजा स्थल में एक नई कटोरी में इसको रखें, धूप बत्ती दिखावें, फिर देखें इसका प्रभाव। तो मित्रों, यह आकर्षण शक्ति से भरा हुआ है, चारों तरफ इसके अंदर आकर्षण ही आकर्षण है, क्योंकि यह माला भगवान श्री कृष्ण का पहना हुआ है। तो मित्रों, यह जहां रहता है वहां पर मान सम्मान भरपूर मिलता है, जहां व्यक्ति जाता है वहां मान सम्मान की प्राप्ति होती है, लोग आकर्षित होते हैं। यह एक ऐसा वैजयंती का माला है। तो मित्रों, आप इसे करें और लाभ उठाएं, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, तो हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे वीडियो से लाभ को उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।